प्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने पिछली क्लास में परोपकारी कछुआ पढ़ा था। आशा करती हूँ आप सब ने बहुत एंजॉय किया है परोपकारी कछुआ पढ़ के। अब आगे की क्लास के लिए चलते हैं बच्चों। पेज नंबर निकालिए 27, नन्हा पौधा, पाठ चौथा नन्हा पौधा, जिसके लेखक थे राजीव कृष्ण सक्सेना, राजीव कृष्ण सक्सेना जी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग की ऑनलाइन क्लास है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों में से बच्चों में से पेड़ किसे किसे पसंद है बच्चों बताइए। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिन्हें पेड़ लगाना, पेड़ों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, अब पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है बच्चों बताइए। ओके, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, रबड़ और रस्सी मिलती है जो बहुत उपयोगी होती है हमारे लिए। और बच्चों बताइए। हाँ वेरी गुड, और क्या होता है? हमें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट और अच्छे फल मिलते हैं। उसे हमें सबसे ज़रूरी हमारे हमारे लिए क्या मिलता है? औषधि। और पेड़ों से क्या मिलती? हरियाली। वर्षा में उपयोगी होती है क्योंकि हम बारिश होती है तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो सकते हैं। और क्या होता है? बाढ़ से बचाव, यानी कि पेड़ हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इससे हम समझ सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? गोबर की, खाद की, ताकि पेड़ अच्छे से रहे। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जब हम कोई पेड़ लगाते हैं देखना पड़ता है कि पेड़ में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया, पेड़ में अच्छे से समय पे पानी मिल रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे की अध्याय की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। बच्चों एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। बच्चों देखिए, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, यानी जो एक बीज था वो मिट्टी के बहुत ही गहराई तक बोया गया था। ठीक है बच्चों, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। अब जो बीज था क्योंकि उस पौधे उसे पौधा बनना था, ठीक है, तो वो बीज जो था वो बहुत ही गहराई में क्या था? वो सोया हुआ था, क्योंकि उससे क्या निकलने वाला था? वो बीज बन गया था तो उसमें से क्या निकलने वाला था? पौधा निकलने वाला था जो कि बहुत ही अंदर सोया हुआ था। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? चलिए एक बार और बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरे साथ बोलिए। एक बीज था, देखिए एक बीज था गहराई में सोया, उसी बीज में अंतर में था नन्हा पौधा सोया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझा? चलिए वाला देखते हैं। उस पौधों को मंद पवन ने आकर पास लगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ठीक है बच्चों, अब जो था उस पौधों को मंद पवन ने आकर पास जगाया, यानी जो ठंडी ठंडी पवन थी वो आकर उसे क्या किया? उसे जगाई। देखिए पवन है जो आप चित्र देख रहे हैं, उसे आकर क्या करती है? जगाती है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। अब जो बीज था जो धरती के मतलब गहराई में बोया था, बहुत ही मिट्टी के बहुत गहराई में बोया था, उसमें किसने नन्ही नन्ही बूंदों ने क्या किया? जल बरसाया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझा? चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं और आगे का हम क्लास में देखते हैं। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में सोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधों को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। बच्चों नहीं समझा, कुछ दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में, तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।
फिर